जाजपुर जिलार अन्यतम विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला बीजेपी रे एबे देखिबाकु मिलुची भिन्न चित्र। विशेषकर बीजेपी राज्य सभापति भाव में मनमोहन सामल दायित्व नेबापर एबे धर्मशाला बीजेपी रे युव नेता सर्वेश्वर पतियारा बुद्धि पाउथिबा लक्ष्य करायछि। सर्वेश्वर लोकप्रियता देखि गत पंचायत निर्वाचन पूर्व कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइथिबा स्मृतिरेखा पढ़ी एबे प्रमाद गणिबा आरंभ कले। धर्मशाला बीजेपी गोटे समय रमेश बिरोडा नियंत्रण में थी। एपरिक रमेश 2009 मसीह तत्कालीन विधायक स्वर्गत कल्पतरु दास विरुद्ध प्रार्थी हो 5341 खंड भोट पाई। परवर्त समय 2014 स्वर्गत दास पु प्रणव बलवंतराय विरुद्ध प्रार्थी हो 19940 खंड भोट और 2019 48625 खंड भोट पाई परास्त हो। लगातार तीन थर पराजय पर रमेश बीजेपी शीघ्र छाड़ी एवं बीजेडी में सामिल होते। रमेश बीजेपी छाड़बार किदिन पूर्व 2019 विधानसभा निर्वाचन कांग्रेस टिकेट निर्वाचन लड़ी 18588 खंड भोट पाई परास्त होता स्मृतिरेखा पै बीजेपी में सामिल हो सारी। कि सबुठ आश्चर्य कथा स्मृतिरेखा बीजेपी को आसवा दिन एजावत दलर समस्त कर्मी को नहीं चली पारे ना। आसवा दिन धर्मशाला सर्वेश्वर और स्मृति समांतराल संगठन देखा मिली। गत पंचायत निर्वाचन स्मृति नेतृत्व में धर्मशाला बीजेपी निर्वाचन लड़ी कौन गोटे भी जिला परिषद आसन हाथ पारा ना। एपरिक सबुठ भल फाइट दे 11 नंबर जोन विष्णुचरण साहू निकट स्मृति असंतुष्ट हो बीजेपी इस्तफा दे। अन्यपटे मनमोहन सामल राज्य सभापति पदर बस सर्वेश्वर प्रभाव अधिक परिलक्षित जहां मनमोहन को धर्मशाला स्वागत करने दिन देखा मिले। तृणमूल स्तर में लोकों समस्या सह या सर्वेश्वर विभिन्न पंचायत गस्त कर संगठन को धीरे धीरे मजबूत कर लगे। आभली स्थित कौन कले दल धर्मशाला अधिक शक्तिशाली हे से कथा चिंता नक स्मृतिरेखा निजस्व ढंग से संगठन कर। मनमोहन सामल सर्वेश्वर निजक अधिक शक्तिशाली मन कर आसंता दिन में धर्मशाला टिकेट हाथ लक्ष्य थी बेले स्मृति रणनीति एजाए स्पष्ट होदि। आगामी दिन में सर्वेश्वर को बीजेपी धर्मशाला बीजेपी प्रार्थी कराए तो स्मृतिरेखा दल रे ना दल छोड़े आउ कौ दल को चली जाए। सहज भाव में कहवाक गले बीजेपी संगठन धर्मशाला एवं दुईफाड़ हो आगक चली। आभली स्थित जदि स्मृतिरेखा और सर्वेश्वर मध्य आपोष बुझामणा न हो समांतराल संगठन जारी रहे ताहले 2024 पुणी बीजेडी को एठारे सहज विजयर बाना उड़ेबा को साहाज्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट जाजपुर।